हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाय बनाने जा रहे हैं। सने सने बनने वाली चाय है एकदम। इस चाय में अच्छा टेस्ट आता है। देखो, मैंने अदरक धो ली है अच्छे से रगड़ करके। ये अदरक ली है मैंने, और एक इलायची ली है मैंने, और एक ही लौंग ली है मैंने। ये अच्छी सुगंधित चाय बनेगी। और मैंने पानी चढ़ाया है, आधा गिलास करीब पानी है ये। देखो, अब हम इसको ओखली में कूटने जा रहे हैं। इसको कूटेंगे ऐसे, बिल्कुल बारीक कूटेंगे, जो जिससे अदरक बारीक जितनी कूटती है उतनी ही चाय में अच्छा स्वाद आता है। अगर हम बारीक कूटेंगे अदरक को, तो वो चाय में है ना जो पूरा स्वाद देती है अदरक का, इसलिए मैं अदरक को बिल्कुल एकदम बारीक कूटती हूँ, जिससे कि चाय अच्छी बने और अच्छा टेस्ट आए। पानी देखो उबलने लग गया है, उसे चाय पत्ती डाल रहे हैं। ये देखो, चाय पत्ती डल गई है। इसमें देखो, ये बारीक कुटी हुई अदरक डाल रही हूँ। देखो, बिल्कुल बारीक कुट गई है एकदम अदरक, बारीक कुटी हुई अदरक डाल रही हूँ। उबल रही है, इसे मैं उबालूंगी 5 मिनट। 5 मिनट जब इसमें पूरा टेस्ट आ जाएगा, ये एकदम अच्छी तरह से कलर हो जाएगा इसका, तब फिर उसके अंदर बाद में मैं दूध डालूंगी इसके अंदर। अब इसमें चीनी डाल रही हूं, 2 चम्मच चीनी डालूंगी। ये फ्रेंड्स देखो, ताजी दूध है मेरी गाय का। ये दूध डालूंगी मैं चाय में। अब ये फ्रेंड्स देखो, ताजी दूध है मेरी गाय का है ये दूध। अब ये दूध डाल रही हूं, देखो खूब अच्छे से कलर आ गया है चाय के अंदर, देखो। और ये मिक्स हो गई है अच्छा सा, देखो अच्छा सा कलर आ गया है। ये दूध डाल रही हूँ, ताजी दूध है एकदम, अभी निकाल के लाई थी गाय का। देखो फ्रेंड्स, अभी उबलेगी और इसमें अच्छा कलर आएगा। फ्रेंड्स देखो, चाय अच्छे से उबल गई है, चाय में अच्छा कलर आ गया है। देखो, मैं 7 उबाले लेती हूँ चाय के अंदर। दूध डालने के बाद भी मैं चाय को कम से कम 5 मिनट, 5 से 7 मिनट उबालती हूँ। अच्छा, चाय देखो अच्छी बन गई है। देखो फ्रेंड्स देखो, अब चाय, फ्रेंड्स देखो चाय छान दी है मैंने। अच्छी चाय बन गई है, देखो फ्रेंड्स, अच्छी खुशबू वाली सुगंधित चाय, खुशबू वाली चाय बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी चाय पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना।